स्वागत है आप सभी का सीओ डी पी लर्निंग चैनल पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यही कहूँगा कि पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद तब लाइक करना और उसके बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस समय आप क्लास 12th भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीख रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में लगाया, जाकर देख सकते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में थोड़े से टफ प्रश्न कूलाम के नियम पर जो हैं वो यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और ऐसे प्रश्न हो सकता है आप अपने जो भी किताब खरीदें उससे लगा रहे हैं तो ना बन रहा हो, तो वो जवाब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दोनों में प्रतिकर्षण बल यहाँ पर दिखाया गया है, जितना दिया है वो यहाँ पर 18 न्यूटन है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर जो भी दिया है मैंने, हमको यहाँ पर पहले नोट करना होगा दूरी कितनी है, 0.1 मीटर मैंने लिख दिया, बल कितना है 18 न्यूटन मैंने लिख दिया, दोनों आवेशों का योग, आवेश नहीं दिया, दोनों का योग दिया है 9 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-6 आपका आ जाएगा, ठीक। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया है। कूलाम के नियम से F बराबर आपका दिया है और F का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R² बराबर आपका 18 लिख दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹। Q1 Q2 हमको नहीं पता इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। आर की वैल्यू जो है आपका 0.1 है, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, बराबर आपका 18 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, ठीक। आगे मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इसका स्क्वायर करोगे 0.01 आएगा, ठीक, और बराबर आपका 18 यहाँ पर लिखा ही है। अब मैंने क्या किया, जब आप इसका पॉइंट हटाओगे यहाँ पर तो इसमें जो है 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करोगे तो ये 1 बन जाएगा और ऊपर 100 का गुणा करोगे तो 10^ यहाँ पर क्या हो जाएगी 11, और जब 1 बन जाएगा तो नीचे लिखा नहीं जाएगा, 9×10^11×Q1 Q2 बराबर 18। अब आपका जो है ये पार्ट नीचे चला जाएगा तो 9 का पढ़ा 18 पढ़ोगे 2 बार जाएगा और 10^11 जाएगा उधर, तो माइनस में हो जाएगा और ये आपका बना समीकरण नंबर 2। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए, अब देखिए हमारे पास क्या, हमको मिल चुका है Q1+Q2 और Q1×Q2। यदि दो मतलब कि चीज़ों का गुणनफल और योग आपको पता रहे तो आप सबसे पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, उन दो चीज़ों के अंतर का वर्ग जो है इसके बराबर होता है, मतलब एक फार्मूला होता है, चूंकि Q1-Q2² बराबर Q1+Q2² −4Q1Q2 होता है, ये फार्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे है उसको लिख दिया, Q1 Q2 की वैल्यू मैं यहाँ पर से लाकर रख रहा हूँ, ठीक, कितना है 9×10^-6 उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, Q1 Q2 की वैल्यू जो है यहाँ से मैं लाकर रख दूंगा, ठीक। उसके बाद ये वही चीज़ है, 9² 81 होता है और 10^-6² 10^-12 होगा, इसका इसमें गुणा करोगे 8×10^-11, ठीक। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही, स्क्रीनशॉट अभी लेने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, घात जब बराबर करोगे तभी ये घटेगा, तो यहाँ पर दशमलव, जब आप दशमलव इधर लाओगे 10^1 का गुणा हो जाता है इसमें, 10^1 का गुणा होगा, 10^1 में से आप इसको घटाओगे 10^-11 बचेगा, तो 8.1×10^-11, तो यहाँ पर आपका आ गया 8.1×10^-11 और ये पहले से ही है 8×10^11। अब देखिए ये आपका वही चीज़ है, इसमें से आप घटाओगे तो 0.1×10^11 होगा, 0.1 यहाँ पर ले जाओगे 10^-1 और आ जाएगा 10^-12 और इसका स्क्वायर इधर आएगा करनी में, ये आपका वही चीज़ है, 10^-12 का वर्गमूल जो है 10^-6 होगा, समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 1 और 2 को 3 को जोड़ दीजिए, जब कि उसी चीज़ का प्लस और उसी चीज़ का माइनस पता रहे तो हमेशा जोड़ दीजिए समीकरण। समीकरण 1 में 2 को जब हम जोड़ते हैं तो देखिए Q1 में जुड़ेगा 2Q1 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस के कारण कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9×10^-6 है और यहाँ पर 1×10^-6 है, तो आप जोड़ोगे तो 9 कितना हो जाएगा 10×10^-6, तो 2 का भाग इसमें दोगे तो 5×10^-6 आएगा, तो Q1 बराबर 10^-6 मतलब कि कूलाम में आंसर आएगा और 10^-6 कूलाम को माइक्रो कूलाम कहते हैं, तो Q1 बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, ठीक। अब Q1 का मान समीकरण मतलब समीकरण 1 में Q1 का मान रखिए, तो समीकरण 1 में यहाँ पर ले लेता हूँ जो था, ठीक। उसके बाद Q1 की जगह मैं 5 माइक्रो कूलाम रखता हूँ तो ये आपका 10^-6 के बजाय 9 हो जाएगा, ठीक।
समझ में आ रहा है ना, इसी की जगह माइक्रो लिखते हैं तो आपका उधर जाएगा तो घटेगा, तो 4 माइक्रो कूलाम यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। तो पूरे प्रश्न का जो सलूशन है यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपना नोट जरूर बनाइएगा। अब आते हैं दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻¹⁹ तथा 160/3 × 10⁻¹⁹ कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए मतलब संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना होगा। तो सबसे पहले आवेशों को Q1 Q2 हमने बनाकर लिख दिया, आर्क दूरी लिख दिया, और पहले बल इनके कारण जो बल लग रहा है उसको मैं निकालूंगा। बहुत सिंपल है, पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो F बराबर कूलाम के नियम से फार्मूला होगा, इसका मान यही होता है। Q1 की वैल्यू रख दिया, Q2 की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से आप सभी को यहाँ पर समझना होगा, ठीक। तो आप ध्यान से समझिए, इसमें देखिए 3 × 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 से ही आपका 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये 00 आपका आ जाएगा, और 16 का पहाड़ा 8 में पढ़ोगे, 16 × 8 कितना होता है, 128, तो इतना हो जाएगा। और 10⁻⁹, 10⁻+9 से कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁹ बचेगा, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इसका दशमलव हटाओगे तो आपका ध्यान दीजिए 10⁻⁰ मतलब कि 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 जीरो यहाँ पहले है, 100 का गुणा ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो 2 जीरो वहाँ हो जाएगा, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा और ये 128। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसमें से घटाओगे 10⁻⁵ बचेगा, और दशमलव यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आप उसमें 2 और ऐड करोगे, 10⁻³ बचेगा। इतना न्यूटन बल लगता है। तो पहले उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए कहा था, तो मैंने पहले बल ज्ञात कर दिया। अब उसकी बात कर रहा है तार से संबंधित कर देने पर प्रत्येक गोली पर आवेश, जैसे ही तार से संबंधित करोगे गोलियों पर जो है आवेश बराबर हो जाएंगे, मतलब एक मतलब गोली से दूसरे गोली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और फिर जो है बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो संतुलित हो जाता है। कुल मिलाकर जब भी तार से संबंधित करोगे तो पहले गोली पर आवेश Q1 मान लेते हैं, दूसरे गोली पर आवेश Q2 मान लेते हैं, और ये जो पहले आवेश थे दोनों गोलियों के, उन गोलियों के आवेश के आधे के आयोग आवेश के योग के आधे के बराबर होता है। Q1 की वैल्यू जितनी थी रख दिया, Q2 की वैल्यू जितनी थी रख दिया, बटा दो। अब देखिए जोड़ रहे हैं यहाँ पर हम, तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब आप इसमें भाग उग देंगे तो ये आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू। अब गोलियों के बीच वैद्युत मतलब के बीच कार्य वैद्युत बल फार्मूला तो वही रहेगा, बस आवेश की जगह Q1 Q2 की जगह जो है आपका Q1 Q2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹, और इसकी वैल्यू जो है आपका इतना आया है, ठीक है, दोनों की उतनी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू जो वहाँ पर थी वही यहाँ पर भी आ गई 0.01, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका जब आप वर्क करोगे, देखिए ये आपका 9 है, इसका देखिए 40 जो है इसको हम लिखोगे 4×10, और 10 जो है आपका जब इसमें आप ऐड करोगे 10⁻⁸ बचेगा, तो 4 कवर कितना हो जाएगा, 16, और 10⁻⁸ का स्क्वायर करोगे 10⁻⁶, तो 9 में से अगर आप 16 घटाओगे तो आप ध्यान दीजिए, या फिर पहले ये देखिए 100 का गुणा करोगे 10⁻११ हो जाएगा, 10⁻११ में से अगर आप 16 घटाओ 10⁻⁵ बचेगा, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 144, ठीक है। और दशमलव जब 2 अंक उधर चला जाएगा तो 10⁻³ बचेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उस पेज का भी ले लीजिए, फिर उस पेज में जो लिखा है उसको भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न जो है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल 1 प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना हो, तो आप उनके बीच की दूरी का गणना कीजिए। देखिए वैद्युत प्रतिकर्षण बल यहाँ पर प्रोटॉन भार के बराबर है, ठीक है, प्रोटॉन के भार के बराबर लिखा है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल 1 प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो मैंने लिख दिया वैद्युत प्रतिकर्षण बल का फार्मूला 1/4π ε₀ Q1 Q2 r², और इसका भार जो है द्रव्यमान गुरुत्वीयत्वरण होता है, तो इसका द्रव्यमान MP है और गुरुत्वीयत्वरण G है, इसकी वैल्यू इतना होती है Q1 Q2 दोनों जो है प्रोटॉन के ही आवेश लिए जाएंगे, तो ये आपका दोनों आवेश उसी के, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिए। R हमको पता नहीं है तो हमको R स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पर, MP की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया है, जी की वैल्यू 9.8 होता ही है, ठीक। अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे चली जाएगी, तो ये आपका वही चीज़ है, इसका स्क्वायर करने पर हमको ये मिल जाएगा और ये आपका नीचे पहुंच गया, ठीक। आर स्क्वायर अपनी जगह पर है, अब देखिए ये आपका वही चीज़ है, इसको मैंने आगे कर लिया, ठीक। और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, तो देखिए ये घात जब ऊपर जाएगी इसमें जुड़ जाएगी 10⁻३६ हो जाएगा, ये माइनस कटा हुआ है और ये आपका वही है, नीचे ये चीज़ है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, फिर आप इनका गुणा करके जब इसमें भाग देंगे और इन घातों को सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा,
और फिर इसको जो है आप जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करके इधर बदलेंगे तो यहाँ वर्गमूल वगैरह निकाला गया है, इतना हमें उत्तर मिलेगा, ठीक। और जब इसको हम यहाँ पर दशमलव इधर कर देंगे तो ये घात हट जाएगी और आपका इतना उत्तर आएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही आपको दे दिया है। अब चलिए आगे वाले पार्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल का जो बल है 18 न्यूटन हो जाता है। तो पहला नंबर आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, दूसरा नंबर प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, ठीक। तो हम दोनों आवेश के परिमाण बराबर हैं तो Q1 Q2 बराबर Q मान लिया, F बराबर 2 न्यूटन दिया था तो हमने यहाँ पर 1.4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर F की जगह लिख दिया, बराबर 2 लिख दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू इतना होती है, इसकी जगह Q1 Q लिख दिया, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 2, ठीक। दोनों यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे इसलिए Q बटा R का होल स्क्वायर कर दिया और इसको जो है नीचे कर दिया। अब यहाँ से Q स्क्वायर का मान निकालते तो R स्क्वायर आपका उधर चला जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर इतना आया, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है आवेशों के बीच की दूरी इतना कम कर देने पर उनके बीच बल F डैश वो आपका कितना हुआ था 18 न्यूटन, तो अब ये अलग वाला बल है तो ये आपका 18 न्यूटन। आपको फार्मूला होगा 1/4π0, आवेश तो वही है उनके भी सिर्फ बदला क्या है दूरी, तो जहाँ आर होता है वहाँ पर आर माइनस 0.5 कर देंगे, बाकी दूरी का स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, ये आपका वही चीज़ है, ठीक। इसका वैल्यू ये होता है कि स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है और ये अपनी जगह पर, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है, 9 का पहाड़ इसमें पड़ेंगे 2 बार जाएगा, 10^9 नीचे चला आया। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है 2/9×10^9 आर स्क्वायर यहाँ पर मैंने रख दिया और ये बटा में है, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, ठीक। मुझे करना क्या है, इस चीज़ को इसके साथ रखना है और इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा इसके साथ गुणा मिला लेना है। तो यहाँ पर ये किया गया आर स्क्वायर बटा इतना का होल स्क्वायर बराबर 2 बटा ये चीज़ आ गया। अब आपका ये वही चीज़ है, ध्यान दीजिए, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10^9 से 10^9 कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा इतना आएगा। अब इसका स्क्वायर हटा दोगे तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 3, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करोगे 3R माइनस 0.5 का गुणा करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ठीक। तो R इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो 2R बराबर 1.5 भाग देने पर 0.75 आपका R की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ से चलोगे जो पहले आप बनाए थे, तो यहाँ से जब चलोगे और R की वैल्यू कितना रखोगे 0.75 R की जगह इतना रखोगे, ठीक। अब और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया। अगला प्रश्न समझा देते हैं तब इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं, ठीक। अगला, 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी जो है 1 mm है और वे एक दूसरे को 4.0×10^-5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर दिया गया है, दूरी 1 mm दी गई है, मीटर में इतनी होगी, बल इतना दिया है, Q1 जो है मुझे नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो Q1 का Q=N(E) होता है तो मैं Q1=N(E) लिख रहा हूँ, ठीक। और Q2 जो है पहले आवेश का 4 गुना है तो यहाँ पर Q2=4Q1 और Q1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब कूलाम के नियम से आप फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पर आपने ये लगा दिया, ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। F जो है उसकी वैल्यू रख दिया और ये आपका यहीं पर है, इसका वैल्यू ये होता है, Q1 की वैल्यू ये रख दिया, Q2 की वैल्यू ये रख दिया, R का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद इसका गुणा होगा, देखिए 4 अपनी जगह, N का N में गुणा होगा N स्क्वायर, E का E में गुणा होगा E स्क्वायर, ये आपका, ठीक। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा। देखिए 4 जो है 2 का वर्ग होता है तो ये 2×10^-3 इसकी वैल्यू थी R की, रख दिया और सबका होल स्क्वायर कर दिया। ये 4/9×10^ इसको सॉल्व करोगे -14। उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 की जगह 2 है, n की जगह n है और आप ध्यान दीजिए e की वैल्यू जो है 5/3×10^-19 क्वेश्चन में दिया है, ठीक। और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इधर आपका ये वही चीज़ है और गुड़ते जो है, देखिए जब आपका ये जो यहाँ पर स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो करणी बनाएगा और यहाँ पर जो है 10^-3 ही रहेगी क्योंकि स्क्वायर कर देते तो आप ये स्क्वायर उधर नहीं जाता, तो स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो यहाँ पर ये इतना ही रह जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इधर वर्गमूल बनाओगे, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। अब करना क्या है, यान को यहाँ रखकर सारी चीज़ें उधर भेज दो, 10^-2/3 थोड़ा सा ज़्यादा काट पीट हो गया है, 2/3 ये पहले से है और ये 5/3 है तो उधर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 10^-19 नीचे चला जाएगा और ये 2 भी नीचे चला जाएगा और 10^-3 ऊपर चला जाएगा और ये आपका पहले से यहाँ पर है, इससे ये कट जाएगा,
दो से दो कट जाएगा और पाँच का भाग ऊपर कुछ नहीं, एक में लोगे 0.5 आएगा। और ये 7 दिन कितना होता है 10, तो ये आपका जो होता है 10 हो जाएगा और 10 घाते -19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +19 में से आप 10 घटाओगे तो 10 की घाते कितना बचेगा आपका, +19 में से अगर आप 10 घटाओगे 10 घाते प्लस 9 बचेगा और इसका दशमलव उधर कर दोगे तो यन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2×10^8। तो ये किसकी वैल्यू है, ये यन की वैल्यू है, ठीक, ये आपका किसकी वैल्यू है, यन की वैल्यू है। तो आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहला आवेश जो है यानी इलेक्ट्रॉनों से आपका मतलब आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा आवेश जो है चार यानी इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पहले गोली पर जो है पहले कण पर इतना 2×10^8 मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे पर 4×8×10^8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।